एक भाजपाई समर्थक ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ एक वाहियात और अनर्गल बयान दिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी समर्थक लेखक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है बद्री शेषाद्री। याद कीजिए जब मणिपुर में वो शॉकिंग वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें दो लड़कियों को सड़क पर नंगा घुमाया गया था और फिर उसके बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के दो मर्दों को मौत की घाट उतार दिया था, तब स्वतः संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करे और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें दखल देना पड़ेगा। तब भाजपा समर्थक इस लेखक ने क्या बयान दिया था मैं आपको बताता हूं। इस लेखक ने कहा था कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ में एक बंदूक दे देनी चाहिए और उन्हें मणिपुर भेज देना चाहिए और फिर देखते हैं कि वो हालात पर कैसे कंट्रोल करते हैं। एक निहायत ही वाहियात और अनर्गल बयान दोस्तों। अब इसी मुद्दे को लेकर न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा बुलंद कर दिया है और इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई डायरेक्टर के बारे में या सीबीआई के बारे में क्या कहा था? सीबीआई के बारे में कहा था कि यह तोता है, तोता शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त किसी कांग्रेस समर्थक, किसी राहुल भक्त या किसी मनमोहन भक्त ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला था जब उन्होंने सीबीआई को तोता कहा था? और बात वहां नहीं रुकती है। याद कीजिए दोस्तों, मोदी का पहला कार्यकाल, हम चुनावों के नजदीक आ रहे थे और सीबीआई के अंदर एक गैंगवॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ राकेश अस्थाना, दूसरी तरफ आलोक वर्मा। आलोक वर्मा उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। हालात एक तरफ से सिविल वॉर जैसे हो गए थे, सीबीआई के अंदर जूतम पैजार चल रही थी। मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। कायदे से बहुत कुछ बोलना चाहिए था मगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। कहने का अर्थ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो इतने ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव क्यों होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर तमाम संस्थाएं जो हैं धराशायी हो रही हैं, नतमस्तक हो रही है मोदी सरकार के सामने। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है जहां कभी कभी सरकार से सवाल किए जाते हैं। ऐसे में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई बात कह दी तो कोई नई बात नहीं की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकाल में भी सरकारों की आलोचना की है, तो कोई बहुत अजूबी बात नहीं है। मगर उसको लेकर ये जो लेखक हैं बद्री, ये इस तरह का बयान देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज हो गए हैं। सेक्शन 153, सेक्शन 153A, 501B, ये तमाम जो धाराएं हैं उनकी गिरफ्तारी के पीछे की वजह बताई गई है। जाने माने लेखक रामचंद्र गुहा ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की है। इत्तेफाकन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र हर दो हफ्ते के बीच में राम गुहा पर हमला बोलते रहता है, उन्हें नक्सली और न जाने किन किन शब्दों से नवाजता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, यह है उदारवादियों में, खुली सोच के लोगों के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मायने, वो बद्री की गिरफ्तारी को गलत करार दे रहे हैं, यह इनका बड़ा दिल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया तो वो भी कह देंगे कि गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी तमिलनाडु सरकार की आलोचना करेंगे। मगर आज यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं इसे आपको समझना पड़ेगा। अगर यह कोई और चीफ जस्टिस होते ना या कोई और सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो मैं उस गिरफ्तारी की खुल के आलोचना करता। हालांकि अब भी मैं उस गिरफ्तारी के खिलाफ हूं मगर मैं उसकी खुल के आलोचना करता। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं मैं खुल के आलोचना क्यों नहीं कर रहा हूं। याद कीजिए,
इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया गया था। उन्हें करीब 7,53,000 गालियां ट्वीट्स किए गए थे उनके खिलाफ, ये कहकर कि ये मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ये मेरा CGI नहीं है। याद है कि भूल गए? याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था। आपकी स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर बाकायदा रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ करीब 7,50,000 ट्वीट्स किए गए थे, 7,53,000, जिनमें से करीब 1,16,000 ओरिजिनल ट्वीट्स थे और अधिकतर ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया था, यानी कि दोहराया गया था। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह के हैशटैग्स चलाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ। नॉट माय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट माय CGI। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही न्यूज लॉन्ड्रिंग और स्क्रोल ने इस पर लेख किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का यह लेख गायब हो गया था वेबसाइट से। अब सिर्फ ये PDF फॉर्मेट में मौजूद है, तो डर किसका है? और बात यहां पर नहीं रुकती। आपको याद होगा दोस्तों कि संसद के पिछले सत्र में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा था और उस खत में उनसे अपील की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को गालियां दी जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो संकट हो रहा था उस पर कोई सख्त टिप्पणियां की थी। आप मुझे बताइए, आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कब सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति के पास गए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ या उन्हें संरक्षण दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए, जिस तरह से उन पर निशाना साधा जा रहा है उस पर कुछ किया जाए, इससे पहले कब हुआ है मुझे बताइए। याद कीजिएगा, पिछले शो में मैंने आपसे कहा था कि एक तस्वीर को वायरल किया गया, इस तस्वीर को जिसमें आप देख सकते हैं CGI चंद्रचूड़ अपनी पत्नी और अपनी 2 दिव्यांग बेटियों के साथ हैं। इस तस्वीर के बारे में भी कुछ ट्रोल्स ने अनर्गल टिप्पणी की थी और यह तक कहा था कि जैसे को तैसा मिला, इसे अपना कर्म मिल गया। जबकि इस तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या थी आपको मैंने बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं जो वकालत कर रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं थी और बच्चों की, मगर फिर उन्होंने 2 दिव्यांग बच्चियों को गोद लिया। कोई जरूरत नहीं थी, मगर इस आदमी का दिल देखिए कितना कोमल, कितना खूबसूरत कि उसने 2 दिव्यांग बच्चियों को गोद लिया, मगर भाजपा समर्थक इस पर भी हमला बोल रहे थे। इनकी इंसानियत इस कदर अंदर से गल चुकी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आज लेखक बद्री ने जो वाहियात बयान दिया है और उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है, मैं उसका विरोध तो करता हूं मगर मैं उसकी खुल के आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ लगातार भीड़ को खड़ा किया जा रहा है। उन्हें देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक खलनायक के तौर पर पेश कर रहा है। भाजपा के नेता, मंत्री, उनके समर्थक बार बार उनके खिलाफ झूठा प्रचार चलाते हैं, कई बार ऐसा प्रचार चलाते हैं जो मर्यादा की तमाम हदों को पार कर देता है। इसीलिए जब उन पर कोई भी हमला होता है तब मैं उस हमले के खिलाफ हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के कई फैसलों पर मैंने भी सवाल किए। मैं भी कई बार कहता हूं कि अदालत के अंदर कई बार वो टिप्पणियां तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मसलन महाराष्ट्र मामले में उन्होंने स्पीकर के काम को, राज्यपाल के काम को पूरी तरह से अवैध बताया था, मगर फिर भी एकनाथ शिंदे की सरकार चलती रही। उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनकी सरकार बहाल कर देते।
जो वैधानिक तौर पर सही है, मगर वहां पर मैंने सवाल यह खड़ा किया था कि जिन दो कदमों की वजह से एकनाथ शिंदे की सरकार बहाल हुई और अगर अदालत उसे गैर वाजिब बता रहा है, उसे इलीगल बता रहा है, तो फिर एकनाथ शिंदे की सरकार लीगल कैसे हो सकती है? बीजेपी और शिंदे की सरकार लीगल कैसे हो सकती है? तो कहने का अर्थ है कि उनके फैसलों पर भी सवाल किए जा सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गालियां दी जाएं। क्या एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने या शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को गाली दी, उन पर हमला बोला? उल्टा मैं नहीं बोला हूं, संजय राउत ने इसका स्वागत किया था, उद्धव ठाकरे ने उस फैसले का स्वागत किया था। यह फर्क है बाकी पार्टी के समर्थकों और भाजपा की ट्रोल मशीनरी के बीच। इसीलिए जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला होगा, मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके खिलाफ किस तरह से भीड़ खड़ी की जा रही है। और जब एक व्यक्ति के खिलाफ भीड़ खड़ी की जाती है, मैं उसके मायने को समझता हूं, क्योंकि मैं खुद उसका शिकार रहा हूं, अब भी हूं, मगर बावजूद उसके आपके सामने अपनी बात रखता हूं बगैर डरे, बेबाकी से, सीधे लाल आंख दिखा के नहीं, सीधे सवाल करके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।